नमस्कार, वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरे प्रिय साथियों, आज हम आपके साथ जो चर्चा करने जा रहे हैं, ये चर्चा हम प्रत्येक माह एवरी मंथ आपके साथ करते हैं इस विषय को लेकर के। और ये विषय है शुभ मुहूर्त। और ये जो शुभ मुहूर्त है इस चर्चा में, ये अक्टूबर 2022 के विषय में बात करेंगे हम, कि अक्टूबर 2022 के जो शुभ मुहूर्त हैं उनके विषय में आपके साथ हम बात करने वाले हैं। तो प्रिय साथियों, आज के जैसा मैंने कहा, इस कार्यक्रम में हम आपको बताने ये जा रहे हैं कि अक्टूबर 2022 के महीने में आप अपने शुभ कार्य, जैसे कि नवजात शिशु है उसका नामकरण करना चाहते हैं तो उसके लिए शुभ मुहूर्त, शुभ तारीख। बच्चों का मुंडन अगर कराना चाहते हैं तो उसके लिए शुभ मुहूर्त, शुभ तारीख। इसी प्रकार कोई वाहन आदि खरीदना चाहते हैं उसके लिए कौन सी शुभ तारीख आपके लिए रहेगी सही, और उसका शुभ मुहूर्त क्या सही रहेगा आपके लिए। गृह प्रवेश करना चाहते हैं इस महीने में, अक्टूबर के महीने में, तो उसके लिए शुभ तारीख और शुभ मुहूर्त। इसी प्रकार शुभ विवाह के लिए। तो ये जितने भी इस प्रकार के जो ये शुभ कार्य हैं, इनके लिए कौन कौन सी वो शुभ तारीखें रहेंगी और उसमें पड़ने वाले वो कौन कौन से शुभ मुहूर्त के समय अवधि होगी, उनके विषय में हम वो सारी तारीखें और शुभ मुहूर्तों के विषय में सारी चर्चा आपके साथ करेंगे, बताएंगे आपको पूरी डिटेल में, ताकि आप उन शुभ मुहूर्तों में और उन शुभ तारीखों में अपने शुभ कार्यों को भली भांति संपन्न कर सकें। और ये जो शुभ मुहूर्त होते हैं प्रिय साथियों, आगे भी हमने चर्चा में इस बात का जिक्र किया है, जब भी हमने शुभ मुहूर्त की बात की है, कि ये शुभ मुहूर्त जो होते हैं या शुभ तारीख जो होती है किसी भी शुभ कार्य को संपन्न करने के लिए, ये इसलिए होती हैं कि अगर व्यक्ति अपना कोई भी शुभ कार्य शुभ तिथि में, शुभ मुहूर्त में अगर संपन्न करता है तो उसके अच्छे परिणामों की प्राप्ति उसको होती है और वो कार्य भी पूर्ण रूप से संपन्न होता है भली भांति। बस ये इसका सबसे बड़ा एक लाभ है। तो अब जैसा कि उपरोक्त शुभ कार्य सही प्रकार से संपन्न हो सके आपके, जिनका हमने नाम लिया अभी, उन्हीं के शुभ मुहूर्तों की बात आपसे होने जा रही है और भविष्य में आपको उनके अच्छे परिणाम आप प्राप्त कर सकें, यही हमारी इच्छा रहती है कि भाई आपके शुभ कार्य आप अपने शुभ तारीखों में और शुभ तिथियों में और शुभ मुहूर्तों में संपन्न कर सकें। इसीलिए हम इतनी मेहनत करके ये सब एक साथ आप तक पहुंचाते हैं। तो हम आपको आज की इस चर्चा में भूमि पूजन, गृह निर्माण, प्रॉपर्टी आदि अगर खरीदना चाहते हैं, या घर बंगला कोठी मकान जो भी आप खरीदना चाहते हैं उसके लिए शुभ तारीख है, या फिर कोई अपना कोई न्यू स्टार्टअप, कोई नया व्यापार स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई नया कार्य आरंभ करना चाहते हैं, उनके लिए कौन कौन सी शुभ तारीखें आपके लिए सूट करेंगी और कौन सा शुभ मुहूर्त अच्छा रहेगा आपके लिए इस महीने। और इसके अतिरिक्त साथियों, इस प्रोग्राम को वीडियो के तहत बनाना और आप तक पहुंचाने का जो हमारा उद्देश्य है वो यही है कि आपको अपने अलग अलग जो भी शुभ कार्य हैं उनके लिए कहीं अलग अलग इधर उधर ना भटकना पड़े, परेशान ना होना पड़े। तो इसलिए एक ही वीडियो में हम सभी शुभ कार्यों की शुभ तिथियां, शुभ तारीख और शुभ मुहूर्तों की समय अवधि आप तक लाते हैं प्रत्येक माह। ये भी एक सबसे बड़ा कारण है कि ताकि आपको एक ही वीडियो के द्वारा सारी चीजों में जो भी आप देखना चाहते हैं वो आपको यहां पर मिल जाए और आपको इधर उधर परेशान ना होना पड़े। तो आज आपको इस चर्चा में हम ये भी बताएंगे सबसे पहले कि सर्वार्थ सिद्धि योग किन कार्यों के लिए देखा जाना चाहिए, उनकी शुभ तिथि इस महीने, शुभ मुहूर्त की समय अवधि उसके विषय में बताएंगे। अमृत सिद्धि योग किन शुभ कार्यों के लिए देखा जाना चाहिए या देखा जाता है, उनकी भी शुभ तिथि और शुभ समय अवधि आपको बताएंगे। और रवि योग के विषय में भी आपको बताएंगे कि रवि योग में पढ़ने वाले कौन से वो शुभ कार्य हैं जो हम संपन्न कर सकते हैं रवि योग में, उन सभी की आपको शुभ तारीख और शुभ मुहूर्त
की समय अवधि आपको बताने जा रहे हैं। वैसे आपको ये बताना चाहेंगे हम यहां कि इस महीने गुरु पुष्य रवि पुष्य योग नहीं पड़ेगा इस अक्टूबर के महीने में। तो आइए सबसे पहले बात आपसे करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग के विषय में और बताना चाहेंगे कि सर्वार्थ सिद्धि योग है क्या। देखिए, सर्वार्थ सिद्धि योग जो है ये योग बहुत महत्वपूर्ण कार्य जो होते हैं व्यक्ति के, जैसे कोई व्यापारिक कार्य आपने करना है, कोई राजकीय अनुबंध करना है, या कोई आप व्यापार करते हैं किसी अपने क्लाइंट के साथ आपका कोई एग्रीमेंट होना है, या किसी पार्टी के साथ आपका कोई टाई अप होना है, इस तरीके के जो भी व्यापारिक अनुबंध हैं, कॉन्ट्रैक्ट हैं, एग्रीमेंट्स हैं, या राजकीय, राजकीय का मतलब ये हो गया कि अगर आप कहीं सरकारी कोई किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं या किसी के साथ कोई अनुबंध हो रहा है सरकारी, या आप वैसे भी कहीं प्राइवेट जॉब में भी हैं और वैसे भी कहीं किसी के साथ आप जुड़ रहे हैं, किसी क्लाइंट को अपने साथ जोड़ रहे हैं कंपनी के साथ, तो ये ऐसे जितने भी एग्रीमेंट्स हैं उनके लिए सर्वार्थ सिद्धि योग बड़ा उचित माना गया है। और इसके अतिरिक्त जैसे परीक्षा आदि में बैठना, किसी भी एग्जामिनेशन में अपीयर करना चाहते हैं, या फिर नौकरी ज्वाइन करना चाहते हैं, या नौकरी के लिए इंटरव्यू में आप जाना चाहते हैं, या फिर इलेक्शन आदि में अपना नामांकन आवेदन अगर वगैरह करना चाहते हैं उसके लिए, या फिर कोई वैल्यूएबल प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं अपने लिए या अपने घर के लिए, किसी भी प्रकार की खरीदारी जैसे ज्वेलरी हो गई, वस्त्र हो गए, कपड़े हो गए, इस तरीके की चीज़ें, कोई भी खरीदारी या बिक्री आप करना चाहते हैं, यात्रा करना चाहते हैं ट्रेवल, या फिर कहीं आपका कुछ कानूनी मसला फंसा हुआ है और आप केस करना चाहते हैं किसी पर, इसी प्रकार अगर आप कोई दूसरा योग नहीं निकल रहा है तो भूमि भी अगर आप खरीदना चाहते हैं या सवारी खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये सर्वार्थ सिद्धि योग देखा जाता है। लेकिन यदि ये हम हमेशा बताते हैं, जब भी हम शुभ मुहूर्त की बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग के विषय में बताते हैं, तो ये बात भी हम जरूर उसमें ऐड करते हैं, और वो ये है कि यदि गुरु, ये ध्यान देने वाली बात है कि यदि गुरु या शुक्र दोनों में से कोई भी एक ग्रह या दोनों अगर अस्त ना हो तब जो सर्वार्थ सिद्धि योग का शुभ मुहूर्त है, उसकी समय अवधि है मुहूर्त की, तब ही वो पूरी तरीके से लाभकारी है, या फिर कोई अधिमास वगैरह ना चल रहा हो, यानी कि गुरु अस्त ना हो, गुरु ग्रह बृहस्पति ग्रह शुक्र ग्रह अस्त ना हो, अधिमास ना हो, ये जरूर आपको इन चीजों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। अगर इन तीनों में से कुछ भी एक है तो फिर आप बेशक सर्वार्थ सिद्धि योग हो तब आप कोई ऐसा कार्य ना करें जिनका अभी हमने आपसे जिक्र किया है, उन शुभ कार्यों का, कि सर्वार्थ सिद्धि योग में जो शुभ कार्य किए जा सकते हैं जिनकी बात अभी हमने की आपसे। तो ये सर्वार्थ सिद्धि योग इस प्रकार देखा जाता है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि सर्वार्थ सिद्धि योग इस अक्टूबर 2022 में पूरे महीने कौन कौन सी तारीख को पड़ेगा, कब से कब तक रहेगा, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इस महीने 2 अक्टूबर को पड़ेगा सर्वार्थ सिद्धि योग, दिन रविवार होगा और ये आरंभ होगा सूर्य उदय से, और 3 अक्टूबर की ही दोपहर 1:53 तक ये बना रहेगा, यानी कि 2 अक्टूबर की रविवार के दिन प्रातः सूर्य उदय से लेके 3 अक्टूबर की दोपहर 1:53 तक। इसके बाद ये फिर 9 अक्टूबर को सर्वार्थ सिद्धि योग आरंभ होगा, उस दिन भी रविवार का ही दिन होगा और उस दिन भी सूर्य उदय से ही आरंभ होगा ये 9 अक्टूबर को भी, लेकिन उस दिन ये 4:21 तक ही रहेगा प्रातःकाल से लेके। इसके बाद 11 अक्टूबर को दिन मंगलवार होगा, उस दिन भी ये 11 अक्टूबर को भी सूर्य उदय से ही आरंभ हो जाएगा सर्वार्थ सिद्धि योग और 4:17 तक बना रहेगा। इसके बाद ये 12 अक्टूबर को दिन बुधवार को 5:10 से ये आरंभ होगा और 13 अक्टूबर की प्रातः सूर्य उदय तक ये बना रहेगा। इसके बाद 18 अक्टूबर को दिन मंगलवार होगा,
और प्रातः 5:12 से, ये सूर्य उदय से भी पहले आरंभ हो जाएगा, प्रातः 5:10 से, और 13 अक्टूबर की ये प्रातः सूर्य उदय होने तक बना रहेगा। इसके बाद ये 18 अक्टूबर को, दिन मंगलवार होगा उस दिन, 18 अक्टूबर के दिन, और उस दिन भी ये प्रातः 5:12 से आरंभ होगा और बहुत कम समय के लिए रहेगा। 18 अक्टूबर को ये प्रातः 5:12 से लेकर के मंगलवार के दिन, 18 अक्टूबर की बात हो रही है, और बस ये सूर्य उदय तक ही रहेगा, प्रातः काल में ही रहेगा बस ये। जैसे ही सूर्य उदय होंगे उस दिन 18 अक्टूबर को, ये समाप्त हो जाएगा। इसके बाद 21 अक्टूबर को, दिन शुक्रवार होगा, उस दिन ये दोपहर 12:28 से आरंभ होगा और 22 अक्टूबर की प्रातः सूर्य उदय होने तक बना रहेगा। और 23 अक्टूबर को भी, ये दिन रविवार का होगा, सूर्य उदय होने से आरंभ होगा ये सर्वार्थ सिद्धि योग, और 24 अक्टूबर की सूर्य उदय होने तक बना रहेगा। इसके बाद 27 अक्टूबर को, दिन गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार का दिन होगा उस दिन, और उस दिन ये आरंभ होगा सर्वार्थ सिद्धि योग दोपहर 12:11 पर, और 28 अक्टूबर की प्रातः 10:42 तक ये बना रहेगा। इसके बाद ये 30 अक्टूबर को आरंभ होगा रविवार के दिन प्रातः सूर्य उदय से, और 30 अक्टूबर की ही प्रातः 7:26 तक बना रहेगा। इस महीने के अंतिम दिन यानी कि 31 अक्टूबर को, ये सोमवार का दिन होगा उस दिन, ये प्रातः 5:47 से आरंभ होकर के और 31 अक्टूबर की प्रातः सूर्य उदय होने तक ये बना रहेगा सर्वार्थ सिद्धि योग। तो मेरे प्रिय साथियों, इस अक्टूबर 2022 में जो जो तारीखें हमने आपको बताई हैं, उन तारीखों में सर्वार्थ सिद्धि योग कब से कब तक रहेगा, इसकी भी हमने चर्चा आपसे की है। अब आगे हम आपसे बात करने वाले हैं अमृत सिद्धि योग के विषय में। देखिए, सर्वार्थ सिद्धि योग में संपन्न किए जाने वाले जितने भी शुभ कार्य हैं प्रिय साथियों, उनके अलावा प्रेम विवाह करना, जैसे लव मैरिज, या आप कोई फॉरेन टूर पर जाना चाहते हैं, विदेश यात्रा करना चाहते हैं, या फिर किसी कार्य की सिद्धि के लिए कोई कार्य सिद्ध करना चाहते हैं, उसके लिए कोई धार्मिक बड़ा अनुष्ठान करवाना चाहते हैं, तो साथियों, यदि सर्वार्थ सिद्धि योग एवं अमृत सिद्धि योग, जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं अमृत सिद्धि योग के विषय में, ये दोनों एक ही दिन में एक ही समय पर अगर ये पढ़ रहे हों, तो ये और अधिक शुभ फलदायी हो जाते हैं, इनका और अत्यधिक शुभ फल प्राप्त होता है। लेकिन यहां पर जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि अमृत सिद्धि योग के दिन कुछ तिथियों को त्याज्य माना गया है, यानी कि उनको लेकर के यहां पर जो वर्जित हैं तिथियां, उनकी बात कर रहे हैं, और वो जो शुभ नहीं मानी जाती हैं, शुभ नहीं मानी गई हैं। अब वो कौन कौन सी तिथि हैं? वो रविवार से लेकर के और शनिवार के बीच, इतवार से लेकर और शनिवार के बीच में पंचमी हो, छठ हो, सप्तमी हो, अष्टमी हो, नवमी हो, दशमी हो, एकादशी हो, लगातार पंचमी से लेकर एकादशी तक जितनी भी ये लगातार तिथि हैं, और रविवार से लेकर शनिवार के बीच में, ये तिथियां वर्जित मानी गई हैं। कहने का भाव ये है कि सर्वार्थ सिद्धि योग भी उसी दिन है, उसी समय में है, और अमृत सिद्धि योग भी, दोनों योग एक ही समय में एक ही दिन में है, लेकिन तिथि इनमें से कोई एक है पंचमी से लेकर एकादशी के बीच, तो फिर वो कार्य आपको शुभ कार्य उस दिन नहीं करना है। अब मान लीजिए कि शुभ कार्यों के लिए उदाहरण के तौर पे, जैसे रविवार के दिन हस्त नक्षत्र हो गया, बात कह रहे हैं, तो उस दिन अमृत सिद्धि योग बनेगा, लेकिन तिथि अगर पंचमी से एकादशी के बीच में कोई एक पड़ गई, तो फिर उस तिथि में सर्वार्थ सिद्धि या अमृत सिद्धि योग पूर्ण रूप से दूषित माना जाएगा, उस दिन फिर आपको शुभ कार्य अपने नहीं करने हैं उस योग में। तो आइए साथियों, अब आपको बताएंगे कि अमृत सिद्धि योग इस अक्टूबर 2022 में कौन कौन सी तारीख को कब से कब तक रहने वाला है। पहला
जो अमृत सिद्धि योग पड़ेगा वो 11 अक्टूबर दिन मंगलवार को पड़ेगा और ये सूर्य उदय से ही आरंभ होगा और ये शाम के उस दिन 4:17 तक बना रहेगा। और फिर दोबारा अमृत सिद्धि योग इस माह में पड़ेगा 23 अक्टूबर को, दिन रविवार का होगा और उस दिन ये दोपहर को 2:34 से आरंभ होगा और ये 24 अक्टूबर की प्रातः सूर्य उदय होने तक बना रहेगा। कहने का भाव ये है कि ये जो अमृत सिद्धि योग है इस अक्टूबर 2022 में मात्र 2 दिन रहेगा, जिसके विषय में हम आपको अभी बता चुके हैं, यानी कि 11 अक्टूबर और दूसरा 23 अक्टूबर। आगे हम बात करेंगे आपके साथ रवि योग के विषय में। तो प्रिय साथियों, इस योग में यदि तिथि वार माने सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, वार का मतलब, कहने का भाव यह है कि इस योग में यानी कि रवि योग पड़ रहा है और उसी योग में उस दिन किसी भी दिन, मान लीजिए रवि योग है और उसमें तिथि और वार या नक्षत्र, इन तीनों में से कोई भी एक या तीनों अगर कोई दोष बना रहे हैं, मान लीजिए कई बार क्या होता है कि कोई भी शुभ मुहूर्त जब होता है किसी भी चीज़ के लिए तो उसमें कई दफ़ा क्या होता है कि तिथि सही नहीं होती तो इसलिए उसको नहीं सही माना जाता उस शुभ योग को, या वार सही नहीं होता, या फिर वो नक्षत्र सही नहीं होता, कई बार तीनों भी नहीं सही होते तो फिर वो शुभ मुहूर्त ही नहीं माना जाता। तो मान लीजिए इन तीनों में से कुछ भी अगर कहीं दोष है, बन रहा है इसके कारण, तिथि के कारण, तिथि के कारण, वार और नक्षत्र में से किसी के कारण या तीनों के कारण कोई दोष बन रहा है, तो ये रवि योग की ये विशेषता है कि इस प्रकार के जो भी दोष बनते हैं तिथि, वार और नक्षत्र आदि से, उन दोषों को ये समाप्त कर देता है पूरी तरह। तो वैसे रवि योग में हम क्या कर सकते हैं, कौन से शुभ कार्य संपन्न कर सकते हैं? सामान्यतः अगर आप अन्नदान करना चाहते हैं तो रवि योग में करेंगे तो उसका बहुत शुभ फल प्राप्त होता है। या फिर गौदान करना है तो प्रिय साथियों, अगर गौदान करना चाहते हैं तो रवि योग में करें हमेशा। अगर आपने भूदान करना है यानी कि जमीन किसी को दान करनी है, बहुत लोग होते हैं कि अपनी जमीन अपनी बेटी को, अपनी बहन को या अपने किसी और को दान करते हैं, तो ये आप, या फिर कोई सरकारी क्षेत्र में कोई आपने अपनी कोई सर्विसेज देनी है, या आपका कोई प्रमोशन हुआ है मान लीजिए और आपको ट्रांसफ़र मिली है, तो आप जो भी आपकी ट्रांसफ़र हो रही है, जहाँ पर भी हो रही है, आप रवि योग में जाएं और वहाँ पर रवि योग में ही उसको पद ग्रहण करें। कोई आपकी प्रमोशन हो रही है, उस वो जो कार्यभार आपने संभालना है, उस नई जिम्मेवारी जो आपके ऊपर आ रही है या आई है, उसको जो आपने संभालना है, रवि योग से आरंभ कीजिए। तो ऐसे कार्य आप रवि योग में कर सकते हैं। आगे हम आपको बताएंगे कि रवि योग इस अक्टूबर 2022 में कब कब, किस किस तारीख को और कब से कब तक उसका मुहूर्त है, इसके विषय में आपको बताने जा रहे हैं। तो साथियों, रवि योग की जो तारीखें हैं, शुभ तारीखें और शुभ वार और उनके शुभ मुहूर्त की समय अवधि, अब हम वो आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। तो देखिए, रवि योग जो है इस महीने अक्टूबर 2022 में, पहला जो रवि योग पड़ेगा वो 1 अक्टूबर को ही पड़ेगा, दिन शनिवार का होगा और उस दिन ये प्रातः 4:19 से आरंभ होगा और फिर ये 2 अक्टूबर की प्रातः 3:11 तक रहेगा। दूसरा रवि योग आरंभ होगा 3 अक्टूबर को, उस दिन सोमवार का दिन होगा, उस दिन ये रात्रि 12:25 से आरंभ होगा 3 अक्टूबर की रात्रि को, सोमवार के दिन, और ये 5 अक्टूबर की रात्रि 9:15 तक बना रहेगा। आगे ये बनेगा 7 अक्टूबर को, फिर उस दिन शुक्रवार का दिन होगा और उस दिन ये शाम को 6:17 से आरंभ होकर के 8 अक्टूबर की शाम 5:08 तक बना रहेगा। इसके बाद ये 15 अक्टूबर को, उस दिन शनिवार का दिन होगा और ये रात्रि को 11:22 से आरंभ होकर के 17 अक्टूबर की दोपहर 2:14 तक बना रहेगा। आगे ये फिर बनेगा 28 अक्टूबर को, उस दिन शुक्रवार का दिन होगा और ये प्रातः 10:42 से उस दिन आरंभ होकर के 29 अक्टूबर की प्रातः 9:06 तक ये बना रहेगा। और इस माह के अंतिम दिन
ये 30 अक्टूबर को बनेगा रवि योग, रविवार का दिन होगा उस दिन। उस दिन ये प्रातः 7:26 से आरंभ होकर के 31 अक्टूबर की प्रातः 5:47 तक बना रहेगा। तो ये थी प्रिय साथियों वो शुभ तारीखें और शुभ मुहूर्त की समय अवधियां जो अक्टूबर 2022 में ये रवि योग जो है उसकी ये पढ़ने वाली हैं तारीखें, शुभ तारीखें, उसके विषय में हमने आपको जानकारी दी है। अब हम आगे बात करेंगे आपसे कि यदि आप में से कोई भी अपने लिए या अपने परिवार के किसी सदस्य के लिए कोई वाहन आदि खरीदना चाहते हैं, सेकंड हैंड या नया, उसके लिए वो इस अक्टूबर 2022 में कौन कौन सी शुभ तारीखें निकल करके आई हैं उसके विषय में आपको हम बताने जा रहे हैं। तो देखिए, नवीन वाहन या सेकंड हैंड वाहन खरीदने के लिए, व्हीकल खरीदने के लिए, चाहे आप दो पहिया वाहन खरीद रहे हैं या चार पहिया खरीद रहे हैं, तो उसके लिए जो शुभ तारीखें हैं वो हम आपको बताने जा रहे हैं। वैसे तो आप चार्ट में भी देख सकते हैं, हमारे पीछे चार्ट जो डिस्प्ले हो रहा है। तो देखिए, पहला जो शुभ मुहूर्त है वो 5 अक्टूबर 2022 को बन रहा है वाहन खरीदने के लिए, दिन बुधवार का होगा और ये प्रातः 6:16 से आरंभ होगा जो कि 6 अक्टूबर की प्रातः 6:17 तक बना रहेगा। इसके बाद ये 7 अक्टूबर को शुक्रवार का दिन होगा, उस दिन ये प्रातः 7:26 से आरंभ होकर के शाम 6:17 तक रहेगा। इसके बाद ये फिर 9 अक्टूबर को तीसरा शुभ योग वाहन खरीदने के लिए बनेगा, उस दिन रविवार का दिन होगा और ये उस दिन शाम को 4:21 से आरंभ होगा 9 अक्टूबर को, जो कि 10 अक्टूबर की शाम 4:02 तक बना रहेगा। इसके बाद ये बनेगा 14 अक्टूबर को दिन शुक्रवार का होगा, उस दिन ये प्रातः 6:21 से आरंभ हो जाएगा वाहन खरीदारी का योग, शुभ योग, और 15 अक्टूबर की सुबह 6:22 तक ये बना रहेगा। इसके बाद ये 17 अक्टूबर को बनेगा, उस दिन सोमवार का दिन होगा, उस दिन ये प्रातः 9:29 से आरंभ होकर के 18 अक्टूबर की प्रातः 6:23 तक बना रहेगा। इसके बाद 27 अक्टूबर को होगा, ये 27 अक्टूबर का दिन होगा, गुरुवार का दिन होगा, बृहस्पतिवार का दिन होगा, उस दिन ये दोपहर 12:45 से आरंभ होगा वाहन खरीदारी का शुभ योग और 28 अक्टूबर की प्रातः 6:30 तक बना रहेगा। अंत में इस महीने के ये 28 अक्टूबर को होगा शुभ मुहूर्त और शुभ तारीख है ये 28 तारीख अक्टूबर की, उस दिन भी शुक्रवार होगा और ये प्रातः 6:30 से आरंभ हो जाएगा आपके वाहन खरीदारी के लिए शुभ योग 28 अक्टूबर को। बहुत कम समय के लिए है, कुछ ही घंटों के लिए है ये, उस दिन प्रातः 6:30 से प्रातः 10:33 तक मात्र। तो ये थी वो शुभ तारीखें और उनमें पढ़ने वाली शुभ समय अवधि मुहूर्तों की, जिनमें कि आप अपने लिए या अपने परिवारजन के लिए वाहन आदि की खरीद कर सकते हैं। और आप में से कुछ जातक हमसे ये भी पूछते हैं कि गाड़ी की बुकिंग करानी है, क्योंकि आजकल कुछ गाड़ियाँ ऐसी भी हैं कि जो बुकिंग पर मिलती हैं, आज बुक कराएंगे तो 1 महीने बाद 2 महीने बाद या 6 महीने बाद जब भी मिलनी है डिलीवरी उसकी, या 1 हफ्ते बाद। तो आप में से कुछ जातकों के हमारे पास क्वेरीज आती हैं कि गाड़ी बुक कराने के लिए कौन सा दिन शुभ रहेगा। तो प्रिय साथियों, गाड़ी बुक अगर आपने करानी है तो सर्वार्थ सिद्धि योग में करा सकते हैं, लेकिन जैसा मैंने कह चुका हूँ आरंभ में कि उस दिन तारा डूबा हुआ नहीं होना चाहिए, गुरु बृहस्पति अस्त ना हो, शुक्र अस्त ना हो, ये जरूर देख लें। आगे हम चर्चा करेंगे आपके साथ मुंडन संस्कार के विषय में कि जो जातक अपने नवजात शिशुओं का मुंडन कराना चाहते हैं तो क्या उनके लिए इस अक्टूबर 2022 में कोई शुभ तारीख या शुभ मुहूर्त निकल करके आ रहा है। तो आपको बताना चाहेंगे साथियों कि बच्चों के मुंडन संस्कार की जो शुभ तारीख एवं शुभ मुहूर्त का समय है वो इस अक्टूबर 2022 में उपलब्ध नहीं है, क्योंकि ये चतुर्मास भी चल रहा है, अभी देव भी सो रहे हैं, तो इसलिए मुंडन संस्कार तो इस महीने कोई शुभ तिथि, शुभ तारीख, शुभ मुहूर्त नहीं है प्रिय साथियों। तो अभी आपको
थोड़ा इंतजार करना होगा इसके लिए, इस कार्य शुभ कार्य के लिए। आगे बात करते हैं कि जो जातक अपने नवजात शिशु का नामकरण संस्कार करना चाहते हैं इस महीने, तो उनके लिए वो कौन सी शुभ तारीखें हैं और उनमें पड़ने वाले वो जो शुभ मुहूर्त की समय अवधि हैं क्या हैं, उसके विषय में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो देखिए, पहला शुभ मुहूर्त निकल करके आ रहा है नवजात शिशु के नामकरण संस्कार के लिए 4 अक्टूबर सन 2022। दिन होगा उस दिन मंगलवार और उस दिन ये शुभ मुहूर्त आरंभ होगा 12:25 से और कब तक रहेगा, 5 अक्टूबर की प्रातः 7:42 तक। दूसरा जो योग शुभ योग शुरू होगा नवजात शिशु के नामकरण संस्कार के लिए वो होगा 9 अक्टूबर को, उस दिन रविवार का दिन होगा और प्रातः 6:22 से ये शुभ मुहूर्त का समय आरंभ होगा 9 अक्टूबर की प्रातः, और ये 10 अक्टूबर की प्रातः 8:23 तक बना रहेगा। इसके बाद की जो तारीख है आपके बच्चों के जो नवजात शिशु हैं उनके नामकरण संस्कार के लिए, ये निकल के आ रही है 13 अक्टूबर 2022। उस दिन गुरुवार का दिन होगा, बृहस्पतिवार का दिन, और उस दिन ये शुभ मुहूर्त का समय अवधि आरंभ होगा प्रातः 6:41 से और 6:26 तक बना रहेगा। इसके बाद 18 अक्टूबर 2022 दिन होगा मंगलवार, उस दिन भी ये प्रातः 5:12 से ये योग आरंभ हो जाएगा, शुभ योग शुभ मुहूर्त का समय, और 19 अक्टूबर की प्रातः 6:28 तक बना रहेगा। इसके बाद 19 अक्टूबर को ये बनेगा शुभ मुहूर्त की जो तारीख निकल करके आ रही है, दिन बुधवार होगा और उस दिन ये शुभ मुहूर्त की समय अवधि आरंभ होगी प्रातः 6:28 से लेकर के 20 अक्टूबर की प्रातः 8:02 तक। इसके बाद ये आरंभ होगा 23 अक्टूबर को, उस दिन रविवार का दिन होगा और प्रातः 2:34 से ये आरंभ हो जाएगा, यानी कि अर्धरात्रि के बाद से। तो 23 अक्टूबर की वो रविवार की प्रातः हो गई 2:34 से और ये दोपहर के 2:42 तक ही रहेगा। अगर आप ये कहें कि भाई हमको दिन में करना है तो ये मान करके चल सकते हैं कि प्रातः 23 अक्टूबर की रविवार की प्रातः सूर्य उदय होने से लेकर के और दोपहर 2:42 तक, ऐसा भी मान सकते हैं। योग तो मैंने कहा रात को ही शुरू हो जाएगा 2:34 से। 27 अक्टूबर को दिन गुरुवार होगा, उस दिन दोपहर 12:11 से ये योग आरंभ हो जाएगा शुभ मुहूर्त का और 28 अक्टूबर की प्रातः 10:42 तक बना रहेगा। और अंत में इस महीने के ये 31 अक्टूबर को अंतिम तारीख, 31 अक्टूबर अंतिम दिन होगा महीने का, उस दिन भी शुभ मुहूर्त निकल करके आ रहा है नामकरण संस्कार का, उस दिन सोमवार का दिन होगा और ये उस दिन प्रातः 5:47 से आरंभ होकर के 1 नवंबर की प्रातः 6:37 तक बना रहेगा। तो मेरे प्रिय साथियों, ये थी इतनी डेट्स, शुभ तारीखें, ऑस्पिशियस डेट्स और उनके शुभ मुहूर्त जिनकी समय अवधि भी हमने आपको बताया। ना जो आपके नवजात शिशु हैं, न्यूली बोर्न चाइल्ड, उनका जो नामकरण संस्कार आप करना चाहते हैं उनकी ये हमने शुभ तारीखें और शुभ मुहूर्त की समय अवधि आपको बताया है। आगे हम बात करेंगे आपके साथ कि यदि आप में से हमारे कोई भी दर्शक प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, चाहे वो कॉमर्शियल पर्पस के लिए हो, चाहे वो पर्सनल यूज के लिए हो, किसी भी पर्पस के लिए हो, या फिर घर आदि खरीदना चाहते हैं, घर में कोई मकान है, कोठी है, बंगलो है, कुछ भी खरीदना, फ्लैट है, कुछ भी आप खरीदना चाहते हैं, तो उसकी खरीदारी के लिए इस अक्टूबर 2022 में वो कौन कौन सी शुभ तारीख हैं और उनमें पड़ने वाले वो शुभ मुहूर्त की समय अवधि हैं जिनमें आप ये शुभ कार्य संपन्न कर सकते हैं। तो आइए आपको बताते हैं कि पहला शुभ मुहूर्त जो निकल रहा है प्रॉपर्टी या घर खरीदने के लिए इस अक्टूबर 2022 में, वो निकल रहा है 9 अक्टूबर को। और साथियों, 9 अक्टूबर के दिन रविवार का दिन होगा, यूं तो रजिस्ट्री वगैरह तो हो नहीं सकती, लेकिन शुभ मुहूर्त निकल रहा है तो हमें बताना है आपको। तो उस दिन ये शाम को आरंभ होगा 4:21 से 9 अक्टूबर की, और ये 10 अक्टूबर की ये बात ध्यान देने वाली है
कि 10 अक्टूबर की शाम 4:02 तक बना रहेगा, यानी कि आप 10 अक्टूबर का पूरा दिन है आपके पास शाम के 4:02 तक, जब आप अपनी रजिस्ट्रियां वगैरह करा सकते हैं। और इसके आगे फिर ये शुरू होगा 14 अक्टूबर के दिन, शुक्रवार का दिन होगा, उस दिन ये रात्रि से आरंभ होगा 8:47 से रात्रि, और 15 अक्टूबर की रात्रि 11:22 तक रहेगा। फिर 19 अक्टूबर को ये आरंभ होगा, बुधवार का दिन होगा उस दिन, उस दिन ये दोपहर 2:16 से आरंभ होकर के 21 अक्टूबर की शाम 5:25 तक बना रहेगा। और अंत में इस महीने के अंतिम जो शुभ तारीख निकल करके आई है ये है 29 अक्टूबर, और उस दिन शनिवार का दिन है, और शुभ मुहूर्त की समय अवधि आरंभ हो जाएगी प्रातः 9:06 से उस दिन, जो कि 30 अक्टूबर की रात्रि 3:29 तक बनी रहेगी। अब हम आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं कि प्रॉपर्टी तो आपने खरीद ली, उसकी रजिस्ट्री भी हो गई शुभ मुहूर्त में, शुभ तारीख में, अब उसका भूमि पूजन वगैरह भी करना है, और यदि आपने कोठी बंगला बंगलो फ्लैट आदि खरीदा है, मकान खरीदा है, जो भी खरीदा है, तो आपको उसमें गृह प्रवेश भी करना होगा। और यदि आपने खाली प्लॉट ही खरीदना है कि भाई अपना खुद का घर बनवाना है, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना है, तो अब हम जो बताने जा रहे हैं वो भूमि पूजन, और भूमि पूजन के बाद की जो कार्यवाही होती है, यानी कि कंस्ट्रक्शन जो स्टार्ट होता है जमीन पे किसी भी बिल्डिंग का, तो वो भूमि पूजन के पश्चात ही होता है। तो भूमि पूजन और गृह निर्माण कह सकते हैं या कंस्ट्रक्शन कह सकते हैं, इसके लिए इस अक्टूबर 2022 में शुभ तारीखें निकल करके आ रही हैं क्या, और उनमें पड़ने वाले शुभ मुहूर्त की समय अवधि, तो हम आपको यहाँ पर ये बताना चाहेंगे प्रिय साथियों कि इस महीने भूमि पूजन या किसी भी प्रकार का कोई कंस्ट्रक्शन आप आरंभ करना चाहते हैं तो उसके लिए शुभ तारीख और शुभ मुहूर्त उपलब्ध नहीं है इस महीने, यानी कि इस महीने शुभ मुहूर्त है ही नहीं इस इन शुभ कार्यों के लिए, यानी भूमि पूजन और कंस्ट्रक्शन वगैरह स्टार्ट करने के लिए। तो इस महीने अगर ये कार्य आप ना करें, अभी आप थोड़ा सा इंतजार कर लें तो अच्छा रहेगा। आगे आपसे बात करेंगे कि आप में से बहुत ऐसे जातक होंगे कि कुछ अपना नया कारोबार, नया व्यवसाय आरंभ करना चाहते होंगे, कोई अपनी फैक्ट्री लगाना चाहता होगा, कोई अपनी दुकान खोलना चाहता होगा, कोई शोरूम खोलना चाहता होगा, वगैरह वगैरह, कोई न्यू स्टार्टअप करना चाहता होगा। तो जो भी कार्य छोटा सा छोटा या बड़ा सा बड़ा है, या जो भी आप करना चाहते हैं, उसके लिए शुभ तारीखों का चयन भी तो होता है। तो क्या इस अक्टूबर 2022 में शुभ तारीखें उपलब्ध हैं, तो हम आपसे बताना चाहते हैं प्रिय साथियों कि इस माह जो भी इस प्रकार का कोई नया व्यवसाय आरंभ करना चाहते हैं उनके लिए कोई शुभ तारीख या शुभ मुहूर्त उपलब्ध नहीं है। तो अभी आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा इसके लिए। आगे बात करेंगे गृह प्रवेश के शुभ मुहूर्त में, हमने रजिस्ट्री करा ली, फ्लैट खरीद लिया, कोठी खरीद ली, बंगलो खरीद लिया, तो क्या अक्टूबर 2022 में हम गृह प्रवेश कर सकते हैं, उनके लिए कोई शुभ तारीख है? प्रिय साथियों, इस अक्टूबर 2022 में गृह प्रवेश के लिए कोई भी शुभ तारीख या शुभ मुहूर्त उपलब्ध नहीं है। अंत में बात करेंगे आपसे शुभ विवाह की, कि भाई शुभ विवाह इस अक्टूबर 2022 में उनके लिए कोई मैरिजेज वगैरह के लिए कोई शुभ तारीखें निकल करके आ रही हैं और उनके शुभ मुहूर्त। तो साथियों, क्योंकि तारा भी अस्त होगा इस महीने, तो शुभ विवाह के लिए कोई शुभ मुहूर्त या शुभ तारीख या शुभ तिथि उपलब्ध नहीं होगी। तो अभी आपको इंतजार करना पड़ेगा कुछ समय और। तो मेरे प्रिय साथियों, ये जो हमने आपके साथ चर्चा की है, ये अक्टूबर 2022 के अलग अलग शुभ कार्यों के लिए जो शुभ मुहूर्त और शुभ तारीख और शुभ तिथि निकलती हैं या निकल करके आई हैं, हमने उसके विषय में आपको जानकारी दी है। ये चर्चा आपको पसंद
आई है तो आप इसको लाइक करना ना भूलें। चैनल को भी प्रिय साथियों जरूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे भी जो लोग हैं वो भी इस जानकारी का लाभ प्राप्त कर सकें। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी हमारे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस बनेंगे उन सभी की नोटिफिकेशंस और वे सारे वीडियोस भी समय रहते सीधे आप तक पहुँचें तो फिर आप जो बेल आइकन देख रहे हैं इसको ज़रूर पुश कीजिए। इसी के साथ आपका सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।